मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी मेन सेशन 2D के अंदर 26वीं क्लास है। 25 क्लास तक हम पढ़ चुके हैं और आज भी हम समबाहु त्रिभुज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 52 तक हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 53 है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी परित्रिज्या 8√3 सेंटीमीटर है। DEF क्रम से AB, AC, BC के मध्य बिंदु हैं। GHI क्रम से DE, DF, EF के मध्य बिंदु हैं। तो ज्ञात कीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल और सेकंड हमको ज्ञात करना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। आप मुझे बताओ कि यहां पर ये लाइन क्या है, एक त्रिभुज ABC है, दे रखा है आपको ABC त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी दे रखा है ना आपको, और याद रखना इस त्रिभुज एबीसी के अंदर आप मुझे बताओ इसकी परित्रिज्या 8√3 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज की। भाई एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है ना, है ना, और जिसकी परित्रिज्या 8√3 सेंटीमीटर है। परित्रिज्या किसे कहते हैं हम, अगर इसके चारों ओर वृत्त अगर बना दिया जाए तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी, इसकी परित्रिज्या 8√3 होगी। और आपको समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या का फॉर्मूला मैंने बता रखा है, क्या होता है बताओ, a बराबर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, a बटा √3 होता है। तो r बराबर क्या होता है, a √3 होता है, यही होता है कि नहीं होता बताओ, यही होता है ना। और देखो r की वैल्यू कितनी दे रखी है, परित्रिज्या 8√3 दे रखी है, कितनी दे रखी है 8√3 दे रखी है। √3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 8 24, तो यानी हमारी भुजा कितनी आ जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या आ गई, 24 आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ भाई। इस फॉर्मूले से आपकी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई ना, कितनी आ गई भुजा, 24 आ गई, क्या आ गई, 24 आ गई। देखो ये भी 24, तो ये भी क्या हो जाएगी 24, और ये भी क्या हो जाएगी 24। आप मेरी बात अब ध्यान से सुनना, DEF क्या है, देखो AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु क्या है, E है, दे रखा है ना इसमें मेरा E, और F किसका मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु F है। फिर उसके बाद इस त्रिभुज के अंदर देखना आप, फिर देखना DE का मध्य बिंदु क्या है, G है, ये रहा GHI, DE का मध्य बिंदु G, DF का मध्य बिंदु H, EF का मध्य बिंदु I। अब ये सारी 24 आ गई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने आपको क्या बता रखा है, मैं इसके ज्योमेट्री के अंदर एक थ्योरम होती है, अगर ये त्रिभुज है और अगर ये त्रिभुज मान लो इस, ये भुजा इसके समांतर है, ये वाली ये भुजा किसके समांतर है, मान लो कि इसके समांतर है ऐसे, और ये वाली भुजा किसके समांतर है, इसके समांतर है, ये वाली भुजा किसके समांतर है, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो ये इसकी आधी होती है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये पूरी यहां से यहां तक 24 है ना, तो ये वाली क्या हो जाएगी बताओ, ये वाली क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अगर मान लो ये वाली कितनी है, ये वाली 24 है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये वाली 24 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। ये क्या है, ज्योमेट्री के अंदर एक थ्योरम होती है, त्रिभुज के किसी भी भुजा के अगर समांतर रेखा है, ये लाइन है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। अब आप मुझे बताओ ये भुजा 12 हो गई, ये भुजा 12 हो गई, और ये भी क्या हो गई, 12। अब आप देखना मेरी बात ध्यान से, क्या कह रहा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखना ये वाली भुजा, देखना आप ये वाली भुजा, देखना एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक भुजा ये है। अब देखना फिर ये क्या आ गई, ये वाली भुजा क्या आ गई, इसके समांतर आ गई। जब ये पूरी 12 है तो ये वाली क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो ये सारी 6 हो जाएंगी कि नहीं जाएंगी बताओ, ये भी 6 आ जाएगी ना, बात समझ में। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखना, कौन सा त्रिभुज है, DGH, त्रिभुज DGH का क्षेत्रफल, और प्लस में किसका, इस छायांकित भाग का, EFC का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, EFG का, EFC का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, क्या होता है, 3/4, भुजा कितनी है बताओ, इसमें भुजा कितनी है, 6 का स्क्वायर, यानी 6 × 6 प्लस त्रिभुज EFG में देखना ये 12 है, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 12, तो √3/4, भुजा कितनी है, 12 × 12, 2 से काटो, 2 × 2 = 4, और 2 + 3 = 6, 3 से 2 से काटो,
दो तिया छः, तीन तिया नौ, नौ रूट तीन आ गए एक तो, और ये क्या जाएगा चार तिया बारह, बारह तिया छत्तीस रूट तीन आ गया, तो टोटल छायांकित भाग कितना जाएगा पैंतालीस रूट तीन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया कौन सा है ऐसा ऑप्शन, पैंतालीस रूट तीन ये वाला ऑप्शन है, इसमें ये तो है। ठीक है, आगे ध्यान दो, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्या है अंतः वृत्त है, तो अंतः वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे जब इसकी आपको बताओ, ये साइड पता है ना चारों तरफ की, तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल पहले अंतः वृत्त की क्या निकाल लो, अंतः वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भुजा बटा ए बाई टू रूट थ्री होता है ना, ए कितना है छः है ना, और टू बाई रूट टू इंटू रूट थ्री, दो टू से काटो कितना जाएगा थ्री बाई रूट थ्री, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या जाएगा कट जाएगा, यानी रूट थ्री आ गई, यानी हमारी आर क्या आ गई रूट थ्री आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। और अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई ऐसे कैसे ही, आर की वैल्यू क्या है रूट तीन इंटू रूट तीन, रूट तीन को रूट तीन से करेंगे तो तीन पाई आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अंतः वृत्त का क्षेत्रफल आ गया तीन पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें ये मिल रहा है तीन पाई, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही है, हमारा ए ऑप्शन नंबर आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो एक बार, दिए गए समबाहु त्रिभुज में छह वृत्त बनाए गए हैं जिसकी प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर इसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी देखना मेरी बात आप ध्यान से सुनना पहले, ये जो त्रिभुज है ना इसमें, ये सॉरी ये जो त्रिभुज है इसमें और ये जो इसकी दो साइड है इसके बीच में क्या दे रखा है आपको, एक वृत्त दे रखा है, क्या दे रखा है एक वृत्त दे रखा है। इस वृत्त को मैं क्या कर रहा हूँ बाहर बना रहा हूँ, ऐसे इस वृत्त को मैं कहाँ बना रहा हूँ बाहर, आप देखना इसमें ये मैंने क्या बना दिया एक वृत्त बना दिया बाहर। ठीक है, ये मैंने एक वृत्त बना दिया बाहर, ये मैंने एक वृत्त बाहर बना दिया। आप इस वृत्त के अंदर देखना पहले, ये वृत्त की क्या है मेन पॉइंट होगा इसका है ना, यहां से मैंने लंब डाला तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहां से मैंने एक लंब डाल दिया इस पे स्पर्श रेखा पर, ये भी 90 डिग्री। आप बताओ ये जब समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 हो जाएगा, इसका जब अर्धक करूंगा इसको मिलाऊंगा तो ये कितना जाएगा 30 डिग्री, और ये भी कितना जाएगा 30 डिग्री, ये पॉइंट नंबर ओ मान लिया मैंने। आप देख रहे हैं मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाली भुजा कितनी है ये वाली इसकी, क्योंकि कह रहा है ना कितनी है ये त्रिज्या 20 है, तो ये भी 20 हो जाएगी। आप भी बताओ ये 90 ये 30 तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 30 के सामने क्या होता है एक, और 60 के सामने क्या होता है रूट तीन, और 90 के सामने क्या होता है दो, तो एक की वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 20 रूट तीन हो जाएगी ना, तो ये बताओ ये वाली भी कितनी हो जाएगी 20 रूट तीन हो जाएगी कि नहीं जाएगी, हाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक। आप मुझे बताओ मैं बात कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक की, मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, देखना यहाँ से ये कितनी हो गई 20 रूट तीन हो गई कि नहीं हो गई ये बता दो आप, तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी कितनी हो जाएगी बताओ 20 रूट, समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, जब इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक भाई, ये पूरा व्यास हो गया ना, तो ये पूरा 40 हो जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये 40 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है बताओ 20 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, 20 और 20 40 और 40 80। अब ध्यान से देखना मेरी बात, आप यहाँ पर ये इसकी क्या है ए पॉइंट मान लो, ये क्या है बी पॉइंट और ये क्या है सी पॉइंट, यानी बी सी कितनी हो जाएगी 20 और 40 60 और 20 80, 80 प्लस में क्या जाएगा 20 रूट तीन, और 20 रूट तीन कितना हो जाएगा 40 रूट तीन, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी साइड आ जाएगी किसकी समबाहु त्रिभुज की। बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बताओ 80 और 40 में से कॉमन क्या रहा है 40, और यहाँ से क्या बचेगा 2, यहाँ से क्या बचेगा रूट तीन, इसकी साइड क्या जाएगी बताओ 40 इंटू 2 प्लस रूट तीन। आप बताओ तीन साइड है इसकी, तो ए क्या जाएगा इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 इंटू 2 प्लस रूट तीन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तीन से 40 दिया 120,
तो पेरीमीटर क्या जाएगा 120 इंटू 2 प्लस में अंडर रूट 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है बताओ? ऐसा हमारा क्या है? सी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 55, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। भुजा 20 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, उसके अंदर समान त्रिज्या के 10 चक्र हैं, बिना अंतर्निहित हुए चक्र के त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो एक बार। कितने कितने इसके अंदर 10 चक्र, यानी सर्किल 10 है। देखो एक सर्किल छोटा बनाओ थोड़ा सा ना, एक दो तीन चार पांच छ, एक दो तीन, ये क्या है, चार। आप देख लो इसको, इसके अंदर देखो इसके हमको क्या दी हुई है, साइड दी हुई है। क्या दी हुई है इसकी? साइड। इसकी साइड कितनी दी हुई है बताओ? 10 चक्र, 20 सेंटीमीटर की क्या है, त्रिज्या दी हुई है, 20 सेंटीमीटर भुजा दी हुई, सॉरी त्रिज्या नहीं दी हुई। आप मुझे बताना इसकी, यहाँ से यहाँ तक बताओ, यहाँ से यहाँ तक, इधर की बात कर रहा हूँ मैं, इधर की, इधर की बात करेंगे हम। आप बताओ ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी, ये पूरी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो त्रिज्या हमने r मानी थी, इसकी क्या हो जाएगी वाली, ये भी 2r हो जाएगी। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? ये भाई हमने त्रिज्या r मान ली, तो 2r, ये भी 2r हो जाएगी। अब आप वही चीज देखो यहां पर, यहां ध्यान दो, ये क्या है, पॉइंट मान लिया मैंने, है ना, ये पॉइंट मान लिया। आप मुझे बताओ संभव त्रिभुज का ये कोण कितना होता है? 60 डिग्री। और अब यहां से यहां तक इसको अर्धक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप मुझे बताना यहां से देखो एक बार, ये क्या है, ये 90 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। आप देखना यहां से यहां तक देखना, ये 30, ये 90, और ये क्या जाएगा, 60। रेशियो पता है ना आपको, 60 के सामने क्या होता है, रूट 3, और 30 के सामने 1, और 90 के सामने। आप मुझे बताना, मुझे यहां से यहां तक की तो लंबाई चाहिए बस, है ना, यहां से यहां तक की तो लंबाई चाहिए। हमने ये मानी है त्रिज्या क्या मान रखी, हमने r मान रखी थी, तो ये भी तो r होगी, एक की वैल्यू r हो गई, तो रूट 3 की वैल्यू 3r, और ये आ जाएगी 2r। तो हमें यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, तो ये क्या जाएगी बताओ, यहां से यहां तक की ये रूट 3r हो जाएगी। समझ में आ गया, ये भी क्या हो जाएगी, रूट 3r हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, ये रूट 3r आ गया, ये रूट 3r आ गया, ये यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना आप, ये यहां से यहां तक, मतलब देखो आप यहां से यहां तक की, यानी यहां से यहां तक की लंबाई ये, ठीक है, एक यहां पर देखो, एक आर और एक आर, ये और बच जाएगी ना, ठीक है, एक आर और एक आर ये और बच जाएगी, तो कितने आर हो गए,
दो और दो चार आर, पांच आर छ आर, तो छ आर तो ये हो गए, और रूट तीन आर और रूट तीन आर कितने जाएंगे, दो रूट तीन आर बराबर में क्या जाएगा बीस, तो दो आर क्या जाएगा कॉमन, क्या बचेगा तीन प्लस में रूट तीन बराबर में क्या जाएगा बीस, दो से काट लो कितना जाएगा दस, तो आर बराबर क्या जाएगा आर इंटू तीन प्लस रूट तीन बराबर क्या जाएगा दस, आर की वैल्यू क्या जाएगी दस बटा में तीन प्लस रूट तीन, यही इस क्वेश्चन का क्या जाएगा राइट आंसर। क्लियर है ना, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हमने देखो पहले ट्रायंगल की बात की, फिर हमने ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में बात की, फिर मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया कि ट्रायंगल क्या होता है, और उसके बाद हमने एक एक करके ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, उसके बाद हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको, देखो समद्विबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोसेल्स कहते हैं क्या, आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो इंग्लिश में कहते हैं इसको आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्या होता है ये ट्रायंगल ध्यान से सुनना, देखना एक बार, ये ट्रायंगल ए, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, आप देखना ये वाली साइड इसकी मैंने मान ली ए और ये मैंने मान लिया ए, और ये वाली साइड क्या होगी इसकी बी हो जाएगी, क्या हो जाएगी साइड बी हो जाएगी, बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ ये साइड क्या हो जाएगी बी हो जाएगी। आप तो बताओ कि दो साइड इसमें इक्वल है और एक साइड क्या है इसमें अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होता है, देखो ए प्लस में क्या है बी, तो इसका हम पेरीमीटर क्या हो जाएगा टू ए प्लस में बी। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, यहां से हमने क्या है लंब डाल दिया इस पर, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने डी, क्या नाम रख दिया मैंने डी, ठीक है मैंने इसका नाम रख दिया डी। अब आप मुझे बताना कि ये वाली साइड क्या है इसकी बी, ये जब लंब डाला तो ये क्या हो जाएगी बी बाई टू हो जाएगी ना, और ये क्या हो जाएगी बी बाई टू। आप मुझे बताना कि आपने तो ये पढ़ रखा है ना कि यहां से ये जो त्रिभुज है इसकी दो लंब डालते हैं तो दोनों भुजाएं क्या हो जाती है आधी आधी, अगर पूरी भुजा बी है तो आधी आधी हो जाएगी। अब बताओ ये वाली ए है ये वाली बी बाई टू है, तो इसकी ये क्या निकाल सकते हैं अपन, हाइट निकाल सकते हैं, तो देखो लंब क्या हो जाएगा इसमें, लंब यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्या हो जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर ये पी का स्क्वायर है ना, और कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, लंब का मतलब पी है ना यहाँ पर ये, तो अब लंब भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एल लिखना चाहो लिख सकते हो, एल स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है बताओ ए का स्क्वायर, आधार कितना है बताओ बी बाई टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में क्या जाएगा चार है ना, बटा में एक मान लो, बटा में क्या मान लो एक मान लो, तो देखो लंब स्क्वायर क्या जाएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना आप, ए स्क्वायर चार ए स्क्वायर, और चार ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दो आप, माइनस का बी स्क्वायर बटा में क्या है चार एकम चार। अब देखना लंब अगर निकालेंगे तो क्या जाएगा पूरे पर अंडररूट लग जाएगा, पूरे पर अंडररूट लग जाएगा ना, तो चार ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा में क्या है चार। आप मुझे बताना ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर लंब निकाल रहे हैं तो इस चार का पूरा पूरा वर्गमूल दो हो जाएगा ना दो, यहाँ देख लो आप लंब बराबर क्या जाएगा अंडररूट चार ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है माइनस का बी स्क्वायर बटा में क्या जाएगा दो, ये इसकी आ जाएगी क्या ऊंचाई आ जाएगी, बात आ गई समझ में, नहीं हाइट आ जाएगी। अब आपको पता है
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब हमने हाइट का काम किया है यहाँ पर, ये तो 1/2, आप बताओ कि बेस कितना हो जाएगा इसका, बेस कितना है इस त्रिभुज का बताओ, पूरा बी है ना, तो क्या कर देंगे, बी इंटू में हाइट क्या है बताओ, हाइट यहाँ से आ गई आपकी 4a² माइनस का बटा में क्या है 2। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखना, 1/2 को 2 आगे आ जाएगा तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा नीचे, और बी को 1 से गुणा करेंगे बी, तो यानी बी 4 अंडर रूट 4a² माइनस का b², ये क्या आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्या जाएगा, ये क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b². इस समझी बाबू, त्रिभुज का ये क्षेत्रफल आ गया। इस क्षेत्रफल को आप हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस सूत्र को आप किससे निकाल सकते हैं, हीरोन के फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं। चाहो तो मैं आपको इसको प्रूव करके बता दूं हीरोन के फॉर्मूले से। देखो प्रूव कैसे करेंगे, हीरोन के फॉर्मूले से ध्यान से देखना इसको आप, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो आप इसको हीरोन के फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर में अंडर रूट क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना कि जो एस निकालेंगे ना वो कैसे आ जाएगा, देखो 2a प्लस में b, ये पेरीमीटर इसका आधा कर देंगे तो क्या जाएगा, ये एस का मान आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। अब देखो आप आगे क्या करेंगे, एस का मान क्या आ गया, देखो एस का मान क्या आ गया, 2a प्लस में b/2 है ना, और इंटू में क्या है 2a प्लस बी 2, माइनस में से क्या घटाएंगे a, फिर 2a प्लस में b 2 में से क्या घटाएंगे b, और फिर क्या घटाएंगे 2a प्लस b 2 में से क्या घटाएंगे c, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपके बताओ। आगे देखना, अंडर रूट 2a प्लस बी 2 में क्या जाएगा 2 इंटू में, देखो 2 में एक मान लो आप, 2a प्लस बी को 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा ना 2a प्लस बी है ना, और 2 को ऐसे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2a 2 में क्या जाएगा 2। आप मुझे बताना इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, इंटू में क्या करेंगे 2a प्लस बी में सबकी बार क्या घटा देंगे 2b घटा देंगे ना, 2 में क्या जाएगा 2, समझ में आ गया नहीं आया, 2a प्लस बी 2 में 1 मान लो, इसको 1 से गुणा, फिर 2b घटा देंगे 2 में क्या जाएगा 2, इंटू में देखना आप, देखना यहाँ पर 2a प्लस बी माइनस क्या घटा देंगे आपकी बार c, कहाँ पर इसमें 2 भुजाएं है ना, तो दोनों तो बराबर रहेंगे ना, तो b तो था ही नहीं ना यहाँ पर, c तो है नहीं, देखो a a और b है यहाँ पर, इसलिए क्या जाएगा 2a प्लस बी माइनस का क्या जाएगा 2b 2 में क्या जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई कि ना, कि ये बताओ पहले, हाँ या ना, क्योंकि c नहीं है यहाँ पर भाई, a b और b दो ही तो हैं यहाँ पर, या फिर a a ले लो आप, या फिर a a ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या जाएगा a आ जाएगा है ना, और यहाँ पर क्या जाएगा a, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर भी a आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा b आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब देखना आप, ये आ गया आप, अब देखना यहाँ पर 2a से 2a कट गया, 2a से 2a कट गया ना, b/2 और b/2 क्या जाएगा b²/4 आ जाएगा, क्या जाएगा बताओ पहले तो आप भाई, b²/4 आ जाएगा ना, देखो 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, तो मैं डायरेक्ट नीचे 16 लिख दूंगी, बताओ आप पहले तो, मैं डायरेक्ट 16 लिख दूंगी यहाँ पर बताओ, अरे ऐसा लिख सकते हैं ना बताओ, 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ पहले आप, अंडर रूट नीचे वाले को देखो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, नीचे 16 लिख दिया मैंने, ऐसा लिख सकते हैं ना 16। अब देखना 2 में 1b 2b कितने आ गए, 2² आ गया कि नहीं आ गया बताओ, ये भाई ये 2² आ गया ना, 1b और 1b,
देखो टू ए प्लस में बी इंटू में क्या है बताओ, बी स्क्वायर आ गया बी स्क्वायर। अब देखना ये क्या है टू ए, अब देखना बी से बी कट जाएगा, मतलब टू बी में से एक बी घटाएंगे माइनस का बी, तो टू ए माइनस का बी आ गया ना, तो ये आ गया टू ए माइनस का बी। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं, आप ये बताओ पहले, तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं, टू ए प्लस बी बटा नीचे वाले तो गुणा हो गए सारे, और ये कट गया बी एक बी और एक बी गुणा में बचा, तो बी स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और टू ए प्लस दो बी में से एक बी घटाएंगे तो माइनस का बी बच जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले। अब देखो रूट सोलह का जो वर्गमूल होता है ना वो कितना होता है, देखो ये जब बी स्क्वायर है ना तो एक बी बाहर आ जाएगा ना, और इस सोलह का वर्गमूल कितना होता है, चार होता है कि नहीं तो बताओ, होता है ना चार, और रूट देखो अब क्या बच गया इसके अंदर, एक बार प्लस बी एक बार माइनस का बी, तो टू ए प्लस बी और टू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो देखो यहाँ देखो अब आगे, तो देखो आगे बी बटा चार टू ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, देखो टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, दो ए प्लस बी और दो ए प्लस बी और दो ए माइनस का बी, दो ए माइनस का बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ना टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बन जाएगा बी बटा चार फोर ए का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला वही आया है, आप मन चाहे किसी भी फॉर्मूले से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का, बस आपको क्या है इनका पता होना चाहिए कि ये चीज ये है, इसलिए ए ए दोनों हैं, तीनों साइड आप निकाल सकते हैं, हीरोन के सूत्र से आप किसी भी फॉर्मूले का किसी भी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, और एक बटा दो आधार इंटू चाहिए इससे भी आप निकाल सकते हो, जो आपको शॉर्ट एंड स्वीट लगे उससे आपको आंसर करना है। तो ये क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है ना, और हाइट मैंने आपको निकाल के बताई दी कैसे करनी है आपको हाइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये समद्विबाहु त्रिभुज की ये थ्योरम है एक तरीके से, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 55 तक हम समबाहु त्रिभुज के अंदर पढ़ चुके हैं ना क्वेश्चनों को, ये 56वां क्वेश्चन स्टार्ट है समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या कह रहा है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जो 90 डिग्री भी हो और क्या हो, समद्विबाहु भी हो, है ना, तो नाम मान सकते हैं ए, ये क्या है नाम बी, और ये क्या है सी, आप मुझे बताना ये क्या है साइड है इसकी, कर्ण, ये क्या है कर्ण है, ये साइड क्या है कर्ण है, तो कर्ण कितना दे रखा है इसमें बताओ, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और आप बताओ ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ भाई, ये समकोण है 90 है, ठीक है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर जाएंगे, 90 है तो समकोण जब दोनों साइड बराबर होती है तो इस कोण के सामने वाला 45 डिग्री आ जाएगा, तो इसके सामने भी क्या जाएगा 45 डिग्री, यानी दो साइड अगर बराबर होती है तो उनके एंगल भी विपरीत बराबर होते हैं, तो अब बताओ मुझे ये दोनों ए ए साइड मान सकते हैं आप, इसको क्या मान सकते हैं, इसको ए मान लो और इसको भी क्या मान लो, ए मान लो, इसको क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, तो बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 5 दे रखी है, और क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, आप बताओ कैसे कर पाएंगे इसको, आप बताओ इसको कैसे कर पाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये साइड मैंने एक्स मान ली, ये साइड मैंने एक्स मान ली, ये साइड क्या हो जाएगी बताओ, रूट टू एक्स हो जाएगी कि नहीं जाएगी, रूट टू एक्स हो जाएगी ना, और रूट टू एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, 5 है, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, आगे देखना एक्स की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 5/√2 आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई, अब आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 है ना, तो त्रिभुज एबीसी का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो, क्या होता है 1/2, आधार क्या है बताओ इसका, आधार भी तो एक्स ही है, तो 5/√2 आ जाएगा ना, और हाइट भी क्या है इसकी, क्योंकि एक्स एक्स मानो चाहे ए मानो बात तय किया ना, तो 5/25 √2 को √2 से गुणा करेंगे, 2 2 2 4, तो 25 का भाग अगर आप इसमें 25 में 4 का भाग अगर देंगे तो 6.25 आ जाएगा, कितना जाएगा 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है ना, ये इसका क्या है एरिया आ गया। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं, जब भी आपको कभी भी एग्जाम में अगर ये दे दे
जल्दी करने के लिए अप्रोच बता रहा हूँ। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के विकर्ण की लंबाई आपको दे दे और क्षेत्रफल पूछे, तो कुछ भी नहीं करना, आपको इसके स्क्वायर करके चार का भाग देना है। पांच का स्क्वायर करके किसका भाग देना है? चार का भाग देना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। पांच किसका? 25 में चार का भाग देंगे, 6/4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 57, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं में से प्रत्येक का माप कितना है? 10 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। मेरी बात ध्यान से सुनना, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? दो समान साइड यही होंगी दोनों। समद्विबाहु त्रिभुज में समान साइड कौन सी होंगी ये बताओ दोनों। ये दोनों समान साइड है और उनमें से एक की माप कितनी है? 10, तो ये भी क्या आ जाएगी? 10। और उनके बीच का कोण कितना है? 45 डिग्री। बताओ अब क्या करेंगे हम? नाम मान लिया ए, बी और सी, जल्दी से बता दो अब क्या करेंगे? इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे बता दो, क्या करेंगे? हाँ राजा बता, क्या करेंगे अब इसमें? अब आप बताना जल्दी से क्या करेंगे? सरब जोत बता, वैजंती तू बता क्या करेंगे? पता है नहीं पता ये बताओ। अरे ये बात आपको पता ही नहीं पता, इसमें क्या करेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए? या तो तुम घर नहीं पढ़ते या फिर मेरे पढ़ाने में कमी है, दोनों में से एक ऑप्शन दो। मेरे पढ़ाने में कमी है, तुम घर नहीं पढ़ते। मैंने बता रखा है जब भी आपको दो साइड दिए और उनके बीच का एंगल दो दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 ए बी साइन थीटा, बता रखा है, शुरुआत में बताया था। अब दोनों साइड बराबर है तो ये ए स्क्वायर इसलिए तो हो जाता है, दोनों लिखा रखे मैंने आपको, ये 1/2 ए स्क्वायर यानी 10 × 10 और साइन थीटा यानी साइन 45। क्या हो जाएगा? साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना, तो 10 और 10 100 का आधा कितना हो गया? 50 है ना, और 1/2 का मतलब क्या हो गया? 50√2। और अब ये क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए √2, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए, √2 से कट जाएगा तो 25√2। समझ में आ गया ना कैसे आ गया ये? अरे भाई √2 को √2 से गुणा करेंगे फिर 2 बन जाएगा, फिर 50 का आधा है ना, तो 25√2 सेंटीमीटर का क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, पढ़ो इस क्वेश्चन को। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तथा तीसरी भुजा का अनुपात 3:4 है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√5 वर्ग इकाई हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करें। ध्यान से सुनना, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, ये एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज होगा अगर मान लो ये साइड और ये साइड बराबर।